प्रदेशवासियों को सस्ता व गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध करवाने में प्रदेश सरकार विफल साबित हो रही है। सरकारी डिपुओं में पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है और जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक ने सोलन शहर में चल रहे राशन के डिपुओं पर नकेल कसने आरम्भ कर दी है। विभाग द्वारा सोलन शहर के सरकारी राशन के डिपुओं का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक शांडिल ने बताया कि अगर सरकारी डिपुओं में अनियमितताएं साबित होती हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक मिलाप शांडिल ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर में चल रहे राशन के डिपुओं में गड़बड़ चल रही है। उनकी टीम ने राशन के डिपुओं का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 6 उचित मूल्यों की दुकानों में अनियमितताएं पाई गई है। डिपुओं के संचालक को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। अगर अनियमितताएं साबित होती हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। पीआईडी से कोई कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए हमने सोलन बाजार में चेकिंग की थी तो 6 उचित मूल्य की दुकानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई थी, अनियमितताएं पाई गई थी, तो उनके खिलाफ जो विभागीय नियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है और उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अब उनके जवाब आ चुके हैं, अब उनको पर्सनल हियरिंग दी जाएगी और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अनाज में हेराफेरी उस स्तर की तो हेराफेरी नहीं है, परंतु फिर भी अगर स्टॉक आगे पीछे पाया जाता है तो डिपो होल्डर से कोई ना कोई गलती हुई होती है और उस गलती के लिए उसको सजा, उसको जुर्माना किए जाने का भी हमारे पास प्रावधान है, तो उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है।